हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि 2022 में, यानी कि 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके व्यूअर्स, आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, आज हम ये चेक करेंगे। ये रीडिंग जनरल रहेगी, आप सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों से एक्यूरेटली मैच करे और काफ़ी लोगों से कुछ परसेंट मैच करे। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग सुनिएगा। और ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है व्यूअर्स। और ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, ये रीडिंग तभी आपसे रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी समय बाद पहुंचे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके व्यूअर्स, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, शफल करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे उसमें। ओके, आपके लिए क्या क्या सरप्राइजेस हैं, क्या क्या गिफ्ट्स हैं 2022 में, लेट्स सी हियर। How will be your love life in 2022? Universe, please guide me. Universe, please guide me. Divine, please guide me. पहला जो कार्ड आया है, ओके व्यूअर्स, वो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। ओके, आई होप इट इज विजिबल। पहला जो कार्ड हमारे पास आया है, वो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। एट ऑफ कप्स, अगला जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। अगला जो कार्ड है वो है फोर ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स, तीनों ही कार्ड काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए क्लैरिफाई करती हूं मैं इन तीनों कार्ड्स को कि क्या कहते हैं ये तीनों कार्ड्स। नाइट ऑफ वैंड्स, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। एक्चुअली ये अनफोल्ड नहीं हुआ था, आई विल नॉट पिक इट, बट ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, जो कि है एट ऑफ सोल्स। और ये एट एट से ही क्लैरिफाई हुआ है। एट ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय एट ऑफ वैंड्स। ओके व्यूअर्स, चलिए फोर ऑफ वैंड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। फोर ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। Okay viewers, let's clarify four of wands.
सेवन ऑफ सोर्ड्स, एनर्जी ऑफ डेक जो है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके व्यूअर्स। तो 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पहले तो बता देती हूं मैं व्यूअर्स के, आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। जुलाई हो सकता है, जुलाई, अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, नवंबर हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है। और व्यूअर्स मुझे कुछ डेट ऑफ बर्थ जो यहां दिख रहा है आपके लिए, आपका डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 17 तारीख, 27 तारीख, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 16 तारीख, 6 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 23, और 4 तारीख, 24 तारीख, 14 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 12 तारीख। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट और ये मंथ आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो व्यूअर्स यहां मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके सामने या तो कोई अपॉलॉजी लेकर आ सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको क्लैरिफिकेशन देगा या जस्टिफिकेशन देगा किसी चीटिंग के लिए, किसी धोखे के लिए। ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग हुई है, किसी ने बहुत दुख दिया है आपको, किसी ने बहुत दर्द दिया है, जिस पर आपने भरोसा किया है उसने आपका भरोसा तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके सामने सच्चाई आ सकती है, लोगों के रियल फेसेस भी आ सकते हैं इन 2022, लेकिन जिस इंसान ने आपको सताया है, जिस इंसान ने आपको दुख पहुँचाया है, मुझे लग रहा है कि वो इंसान आपके पास आएगा, आपको क्लैरिफिकेशन देगा। तो आपकी तरफ क्लैरिफिकेशन आ रहा है, अपॉलॉजी भी हो सकती है, आपकी तरफ माफी भी आ रही है, ऐसा लग रहा है। व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल से आपने इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का डिसाइड किया है। ऐसी चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जरूरी नहीं है ये रिलेशनशिप हो, बट मोस्टली इन रिलेशनशिप, इन लव लाइफ, ऐसी चीजें जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, यानी कि आप जिस चीज में एफर्ट डालते जा रहे थे लेकिन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा था, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते से वैसा कुछ मिल नहीं रहा था आपको, इनफैक्ट आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई, यानी निराशा बहुत हुई है। आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में काफी समय तक फंसा हुआ पाया है, यानी कि यू वर स्टक इन दैट सिचुएशन, यानी कि आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि यू वर इन द सिचुएशन जहां आप सोच रहे थे कि मैं इस सिचुएशन से अब बाहर भी नहीं निकल सकता और अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, बिकॉज आई एम इन द सिचुएशन। तो यहां पर आप अपने आप को काफी ज्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, काफी बंधा हुआ, लेकिन स्टिल इट टुक यू अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड कि आपको इन ऐसी चीजों से अपने आप को दूर रखना है जो आपको कुछ हैप्पीनेस या कुछ भी सर्व नहीं करते। ओके, अपार्ट फ्रॉम मिजरी एंड पेन, अगर आपको कुछ मिला नहीं है ऐसे रिश्तों से, तो आपने ऐसे रिश्तों से अपने आप को दूर करने का फैसला किया, या वहां से वॉक अवे, या वहां से जाने का फैसला किया। ओके, मूव ऑन इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट यू नो सेंटेंस, मतलब इट्स कंप्लीट डिफरेंट वर्ड, आई एम सॉरी, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ड, क्योंकि जब आप मूव ऑन कर लेते हैं तो आप दिल और दिमाग से भी उस व्यक्ति को निकाल चुके होते हैं, लेकिन यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने दिल और दिमाग से इस व्यक्ति को नहीं निकाला है। इट्स जस्ट दैट फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर योर कंफर्ट, फॉर योर यू नो फॉर योर पीस ऑफ माइंड, ओके, फॉर योर कामनेस एंड कूलनेस, आपने यहां से वॉक अवे करने का डिसाइड किया है, सोचा है मैं सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करूंगी, और मैं ज्यादा, या मैं अपने ऊपर ही फोकस करूंगा
मैं ज्यादा किसी को अब चेज करने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, बिकॉज यूजुअली मुझे रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है. आई ऑलवेज यू नो मैं हमेशा इग्नोर करा जाता हूँ या करी जाती हूँ. तो मुझे लग रहा है जिस व्यक्ति ने आपको इस परिस्थिति में रखा था, ये तकलीफ जो दी थी, वो व्यक्ति आपकी तरफ आके आपको उस अपॉलोजी दे सकता है, कई अपनी गलतियों के लिए क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन भी दे सकता है. और मुझे लग रहा है कि जो रियल रियलिटी है वो आपके सामने आएगी. जो चीज़ें अब तक आपसे छुपी हुई हैं, अंडर द कारपेट हैं, सरफेस पर नहीं आई हैं, वो चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने आ जाएंगी इन 2022. मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूवर्स कि अगर अब तक आपने ऐसी चीज़ों से वॉक अवे नहीं किया है, जो चीज़ें आपको कुछ सर्व नहीं करती, सिर्फ आपको स्टक महसूस करवाती हैं, अगर अब तक वॉक अवे नहीं किया है, तो यहाँ मैसेज है कि आप 2022 में ऐसी चीज़ों से वॉक अवे कर लेंगे जो आपको कुछ हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती, कुछ रिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड करती. ओके, चाहे वो ऐसी फीलिंग्स हैं या कोई ऐसा पर्सन है, वहाँ से आप वॉक अवे करने का डिसाइड कर सकते हैं. क्योंकि एक परेशान इंसान जो काफ़ी समय से फंसा हुआ है, तकलीफ में है, हेल्पलेस है, होपलेस है, अंततः वो अपने मन की शांति के लिए ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का डिसाइड करेगा जो सिचुएशन उसे कुछ सर्व नहीं करती. तो इट्स इट वुड बी अ वेरी गुड डिसीजन फॉर यू व्यूअर्स. मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति आपकी तरफ क्लैरिफिकेशन लेके आ रहे हैं 2022 में, ये बहुत ही पैशनेट होने वाले हैं आपके लिए. और ये वही व्यक्ति, ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति इनकी जो भी है, ये इनकी अगर कोई मैरिज है और वो अनसक्सेसफुल मैरिज है या समथिंग एल्स, मुझे नहीं पता. तो मुझे ऐसा लगा बीच में कि शायद वो पर्सन मैरिड हो सकते हैं अब, या इंगेज हो सकते हैं या हो सकती हैं. ओके, नॉट फॉर एवरीबडी, लाइक फॉर 5 to 8% ऑफ पीपल, यहाँ पर आप लोग शायद किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं एंड दे बिट्रेड यू, उन्होंने मतलब आपको बिट्रे किया. तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है इन 2022, इफ इट इज अ अनसक्सेसफुल मैरिज, वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हैं. और जो बाकी लोग हैं जो मैरिड नहीं हैं, ऑफकोर्स वो काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हैं आपके लिए. ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर आएंगी जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो एक अर्ज फील करेंगे, एक पुल फील करेंगे आपकी तरफ, यानी कि उन्हें जानने का मन करेगा कि आप कर क्या रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है. क्योंकि व्यूवर्स उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि जैसे आपने उन्हें ट्रीट किया है, वैसे उन्हें कोई कर नहीं रहा. जिस तरीके की वाइब आपसे आती है, जिस तरीके का केयर और कंफर्ट आपसे मिलता है, वो किसी और से नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पर ये बात भी रहेगी और ये भी रहेगा कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट और अट्रैक्टेड फील करेंगे, अट्रैक्शन यहाँ बढ़ जाएगा. हो सकता है, मुझे लग रहा है कि 2022 में आप अपने लुक्स पर वर्क कर सकते हैं, यू नो अपनी बॉडी शेप पर, वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, मतलब हेल्दी रहना है. और आप अपने स्किन पर, बालों पर, ड्रेसिंग सेंस पर, मेकअप पर, जूतों पर, इन चीज़ों पर आप वर्क कर सकते हैं. आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और थोड़ा यू नो वॉक में, अपनी बातों में, कम्युनिकेशन में, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. तो ये जो चेंज है ये अननोटिस नहीं जाएगा, ये चेंज 2022 में आप करने वाले हैं अगर आपने अब तक किया नहीं है. हो सकता है ये बदलाव करने के लिए आपने अभी से डिसाइड कर लिया हो कि जी हाँ, मैं ये बदलाव बहुत जल्दी अपने जीवन में, अपने लुक्स में करने वाली हूँ और अपनी पर्सनैलिटी में भी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ. तो ये आप जो बदलाव करेंगे ये अननोटिस नहीं जाएगा. आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं से, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उन्हें कर दिया है, क्योंकि ब्लॉकिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ लग रही है, तो भी ये नोटिस कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे आपके अंदर बदलाव और बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे. और इसी चक्कर में भी हो सकता है कि आगे जल्दी से आपको सॉरी बोल दें, या अपनी अपनी मिस्टेक्स के लिए, अपने बिट्रेयल या अपनी चीटिंग के लिए आपको जस्टिफिकेशन दे दें. ओके, ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए. मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि 2022 में आपके लिए शादी का रिश्ता आ सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, जिस व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जैसा रिश्ता, जैसे अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिले, जो यू नो जो रिस्पेक्ट करे मेरी, मेरा ध्यान रखे और केयरिंग हो, यू नो और यू नो द थिंग्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, जो आप सोच रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा ही रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है.
और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिस पर्सन से आप ये रिश्ता एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस पर्सन से आप ये प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो कि वो व्यक्ति ही मुझे ऑफर करे, तो उनसे भी आपकी तरफ रिश्ता आ सकता है। और कई लोगों के लिए नए रिश्ते भी आ सकते हैं, और ऐसे नए रिश्ते नहीं होंगे व्यूवर्स जहाँ आपको कोई टेंशन है या कोई परेशानी होगी। आप काफ़ी पैम्पर किए जाओगे और आपको बहुत प्यार किया जाएगा। यू डिजर्व ऑल द लव, यू डिजर्व ऑल द लव इन द यूनिवर्स। ये मैसेज चैनल था व्यूअर्स, इट वॉज अ चैनल मैसेज। आई वॉज नॉट सपोज टू से दैट, बट आई सेड इट दैट यू डिजर्व ऑल द लव इन द यूनिवर्स। यू डिजर्व ऑल द लव इन द यूनिवर्स। आप वो सारा प्यार डिजर्व करते हैं जो इस ब्रह्मांड में है। ओके व्यूअर्स, तो ऐसा भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए कि जिस व्यक्ति ने आपको चीट किया है यही आपको आके मैरिज प्रपोजल दे दें, क्योंकि अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इनसे आ सकता है फॉर सम पीपल, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नया रिश्ता भी हो सकता है। ओके आप, मुझे ऐसा लग रहा है 2022 में आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप किसको चूज करो और किसको डंप करो। जी हाँ, कोई नया रिश्ता भी आ सकता है और किसी पास्ट पर्सन की भी वापसी हो सकती है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। कोई पुराना पर्सन, कोई एक्स, या जिससे बातें बंद हो गई थी, या ये वही व्यक्ति है जिसने आपको चीट किया था, या जो आपको अब क्लैरिफिकेशन देने आ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे, यही व्यक्ति हो सकते हैं एक आपके पास ऑप्शन, और एक नया रिश्ता भी हो सकता है। तभी मुझे यहाँ दोनों चीज़ें दिख रही थी, और आप 2022 में मुझे दो ऑप्शंस के साथ दिख भी रहे हो कि आपके पास दो ऑप्शंस होंगे। ओके व्यूअर्स, यहाँ ऐसा दिख भी रहा है आपके लिए, ठीक है। तो चूज वाइसली, ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी की याद आ रही थी और अब वो इंसान वापस आ गया है तो आपको एक्साइटमेंट में आके उनको गले लगाना है, उनके जो भी वो कहते हैं प्रपोजल वगैरह सब एक्सेप्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग टू नॉट डू दैट, और आई एम नॉट सेइंग टू डू दैट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना मत, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कर लेना। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि आप वाइसली डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, बिकॉज 2022 वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट वुड बी अ वेरी, यू नो, इट वुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ओके, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी फिर। ओके, तो आपको वाइसली चूज करना है। मैं देखती हूँ कि जब ये व्यक्ति लौट कर आएंगे तो आपसे क्या कह सकते हैं। आई हैव टू मैसेजेस, आई नीड टू मोर मैसेजेस। तो यहाँ पर व्यूवर्स हमारे पास चार मैसेजेस हैं। मैं ये देखना चाहती थी कि, और आपको बताना चाहती थी कि जो व्यक्ति आपके पास अपॉलॉजी लेकर या क्लैरिफिकेशन लेकर आएंगे, जिन्होंने आपको पहले चीट किया था और स्टक सिचुएशन में रखा था, वो आपसे क्या कहेंगे। पहला मैसेज है व्यूवर्स, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। यानी कि पहली बात तो वो आपसे ये कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने सब खराब कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो व्यूवर्स, वो आके आपसे ये भी कह सकते हैं कि मैं अब एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, या मैं अब एक अच्छी इंसान बन रही हूँ। समवेयर आपका भरोसा जीतने की कोशिश होगी ये शायद, क्योंकि कोई इंसान ऐसा क्यों बताएगा कि मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ अब, विच मीन्स कि अब मैं चीट नहीं करता या नहीं करती, या मेरी थॉट्स अब चेंज हो गए हैं, आई रिस्पेक्ट यू, यू नो, समवेयर कुछ चेंज ऐसा कह सकते हैं कि उनमें आया है, दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन। अगला मैसेज है, यहीं तक था सफर अपना। ओके व्यूअर्स, तो समवेयर वो आपको इमोशनल कर सकते हैं ये पूछ के कि क्या यहीं तक था हमारा सफ़र, अब आगे क्या हमारा प्यार ख़त्म हो जाता है क्या समय के साथ, या वैल्यू ख़त्म हो जाती है, या तुम्हारा प्यार सिर्फ कुछ समय के लिए था। कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर कर दे, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे आपको ट्रिगर हो जाए और आप प्रूव करने निकल पड़ो। जैसे मैं आपसे कह दूँ कि आप तो कभी एक व्यक्ति के साथ टिक के रह ही नहीं सकते,
सपोज मैं आपसे कह दूं कि आप किसी एक व्यक्ति के साथ टिक कर रह ही नहीं सकते, यू कीप ऑन चेंजिंग, तो यहां पर आप ट्रिगर हो जाओगे और आप इस चीज को प्रूव करने में निकल पड़ोगे कि ऑफकोर्स मैं एक व्यक्ति के साथ सारा जीवन आराम से सुकून से रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और इस चीज को प्रूव करने के चक्कर में आप बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, अपनी इच्छाएं, अपना कंफर्ट, अपनी हैप्पीनेस, और समवेयर काफी सारी चीजें टॉलरेट करोगे और काफी सारी चीजें सेक्रीफाइस करोगे जस्ट बिकॉज अब आप ये प्रूव करने निकल पड़े हो। तो इसीलिए आपके पर्सन भी कोई ट्रिगरिंग बातें कर सकते हैं, जैसे क्या यहीं तक सफर अपना था क्या, मतलब प्यार के समय समय के साथ खत्म हो जाता है, अच्छा तुमने मूव ऑन कर लिया, मतलब इतना इजीली भूल सकते हैं क्या किसी को, तुम्हारे लिए गेम है क्या ये सब, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे लिए बहुत सीरियस थी या सीरियस थे, अब तो लग रहा है कि मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैंने सोचा कि तुम इतनी सीरियस हो या मेरे लिए इतनी ज्यादा जेन्युइन हो या जेन्युइन हो मेरे लिए। जो भी वो ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपकी लॉयल्टी, आपकी फीलिंग्स और आपकी रिस्पेक्ट को क्वेश्चन कर दे, और जब आपकी रिस्पेक्ट और आपकी लॉयल्टी और आपके कैरेक्टर को क्वेश्चन होगा तो आप उससे प्रूव करना चाहोगे कि नहीं, मेरी ये सारी चीज़ें, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं ये मुझ में हैं, और ये प्रूव करने के चक्कर में आप कहीं गलत चॉइस ना कर लो। सो तभी मैंने आपसे कहा था चूज वाइसली। मैसेज है इट्स टाइम फॉर मी टू हील यू, हील नाउ, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये कह सकते हैं कि आप ही मेरा सुकून हो, आपसे ही मुझे शांति है, आप ही मेरे जीवन की हैप्पीनेस हो, जैसे आपने मुझे ट्रीट किया, जैसे आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया, वैसे मुझे किसी और के साथ महसूस नहीं हुआ, जो होमली वाइब, जो लविंग वाइब उन्हें आपसे मिली वो कहीं और से नहीं मिली, तो उनको ऐसा लगेगा कि आपके साथ ही उनकी हीलिंग है। और ये बात वो आपसे कह सकते हैं कि यार मैं आपके पास ही खुश रहता हूँ या रहती हूँ, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं 2022 में व्हेन दे विल कम टुवर्ड्स यू। ओके, लेकिन आपके पास ऑप्शन होंगे व्यूअर्स, आई एम स्टिल टेलिंग यू। चलिए, जो आपके लिए कोई न्यू ऑप्शन है या कोई न्यू रिश्ता आ रहा है या कोई नया प्रपोजल आ रहा है, हम देखते हैं कि वो कैसा हो सकता है। ओके, उसके लिए कुछ मैसेजेस हम जरूर लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। कि वो रिश्ता कैसा हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्पिरिट्स गाइड मी। जो व्यूअर्स आपके लिए नया रिश्ता या न्यू ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, हम यहाँ देख रहे हैं। चलिए, लेट्स पिक वन कार्ड। लव इज ऑल अराउंड यू, देयर इज लव एवरीवेयर ऑल द टाइम, सिंपली एक्नॉलेज दिस एज ट्रुथ। तो व्यूअर्स, ये रिश्ता ऐसा होगा जो आपको हमेशा ये महसूस करवाएगा कि आपके चारों तरफ प्यार ही प्यार है, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक फील करवाएगा ये रिश्ता। ओके, ये रिश्ता जो होगा व्यूअर्स, ये आपको बहुत ही ज्यादा रोमांटिक महसूस करवाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको इतना प्यार मिल रहा है कि आपके चारों तरफ सिर्फ प्यार ही प्यार है। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। समवेयर आप एक ऐसा लग रहा है आप झूमोगे, झूम रहे हो, आप खुशी में झूमते हैं ना, ड्रिंक करके झूमने की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इट वॉजंट दैट फनी बट आई कीप ट्राइंग। ओके, लव मेक्स द डिफरेंस, लव कैन हील पास्ट हर्ट्स, आई है। तो व्यूअर्स, यू कैन सी द मैसेज हियर। ओके, ये कार्ड आया है जिसमें मैसेज है लव मेक्स द डिफरेंस, और बाकी का मैसेज मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। लव कैन हील पास्ट हर्ट्स, यानी कि रिश्ता ऐसा होगा जो आपके पास्ट का जो हर्ट है, जो आपके पास्ट में आपको तकलीफ या दुख मिला है, उसको हील कर सकता है, ये ऐसा रिश्ता होगा। ओके, लव कैन हील द पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि जो रिश्ता नया होगा व्यूअर्स, ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, यानी कि यहाँ पर आपको ये डर नहीं लगता रहेगा कि ये व्यक्ति मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, ये व्यक्ति मुझे मेरे को लेकर सीरियस है कि नहीं है।
तो वहां पर आप काफी सिक्योर होंगे, इनसिक्योर फील नहीं करेंगे. एंड प्रोवाइड्स सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ एंड इम्पोर्टेंस. यानी कि अगर आप इस पूरे चक्र में अब तक इसमें अपनी कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर चुके थे, अपनी वर्थ अपनी वैल्यू को समझ नहीं रहे थे, ओके आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होने दे रहे थे, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी. और जो मैंने कहा कि आप जो डिजर्व करते हो वो सब चीज़ें आपको मिल नहीं रही थी, एक सिचुएशन ऐसी जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रही थी. लेकिन ये जो न्यू कनेक्शन व्यूवर्स मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आता हुआ, ये आपको प्रोवाइड करेगा अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ एंड इम्पोर्टेंस. यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत मिलेगी आपको. मैंने पहले ही कहा था ये कार्ड आने से पहले ही कि एक ऐसा रिश्ता भी आ सकता है जो आपको बहुत पैम्पर करेगा, आपकी बहुत केयर करेंगे, आपकी बहुत वैल्यू करेंगे. तो मैंने क्या कहा है आप बोलोगे मैम स्टॉप इरिटेटिंग अस, ओके इट्स इनफ, बट स्टिल आई वुड मैं फिर दोबारा कहूंगी आपसे कि चूज वाइसली, बिकॉज टर्निंग पॉइंट होगा ये सब. ओके तो आई होप ये रीडिंग आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट की हो. इवन अगर 1% भी रेजोनेट की है तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी. आप कमेंट में बताएं जरूर. ओके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं आपकी, क्या आपके एक्सपीरियंसेस हैं when it comes to past and what's going on currently and what you are expecting and manifesting. Okay, and I wish to the universe and divine ki aapki saari wishes puri ho jaye, jo bhi aapke hit mein hai aur jo bhi aap deserve karte ho wo bahut jaldi aapko mil jaye. Okay viewers, to apni experiences share kijiyega. Upcoming reading ke liye suggestions bhi aap de sakte hain. Okay, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, यानी कि आपका अपना और मेरा यानी कि हम सबका, बिकॉज वी आर अ फैमिली. तो ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हिस्सा बन जाएं इस फैमिली का. और क्योंकि मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज, चैनल मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वो आप मिस कर पाएं. इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं. ओके तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय.